द्विवेदी सर, हमें बताइए कि दरअसल सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे किस तौर पर आप देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश पर यह भी कहा गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी मामले उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाइए और मामलों का निपटारा जल्द से जल्द कीजिए, जो आरोपी हैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाइए, ये जो पहल है इसे किस तौर पर देखते हैं आप? निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय प्रयास होगा, बहुत सराहनीय प्रयास होगा, करोड़ों लोगों का साधुवाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलेगा इसकी तरफ से। मुझे विश्वास है जैसा अभी वक्ता कह रहे हैं कि इसमें जनता का सहयोग चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मुझे उम्मीद है कि जब ये प्रयास होगा, प्रयास किया जाएगा एजेंसी के द्वारा, तो करोड़ों लोग निश्चित रूप से स्वेच्छा से खुशी से सहयोग करेंगे। जो इस नशे में लिप्त है, कारोबारी है, अपराधी है, वही नहीं सहयोग करेंगे, अन्यथा समाज के लोग पूरी तरह से सहयोग करेंगे। अरे इस नशे की वजह से पीढ़ियां बर्बाद हो जा रही हैं। जिस परिवार का एक भी सदस्य किसी भी नशे के आदि हो जा रहा है वो परिवार तबाह हो जाता है। तो सहयोग मिलेगा सबका और प्रयास होना भी चाहिए, प्रयास होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और हम लोगों ने तमाम अवसरों पर देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति जो होती है, जो कहते हैं वो कर जाते हैं। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग के लोग जो है, सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। स्कूलों कॉलेजों से दूर रहेंगे, सब नशे की दुकानें जो है, उपलब्धता कम होगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, मुझे कोई संदेह नहीं। बस एक बात कहूंगा कि ये 365 दिन में ज्यादा से ज्यादा समय इसको किया जाए, इस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मनोज उपाध्याय जी, मैं जानना चाहता हूं क्या समिति का गठन तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर हो जाएगा, जो समिति ऐसे मामलों को देखेगी, कार्रवाई को देखेगी और मामले कहां तक पहुंचे हैं उस पर भी समिति की नजर रहेगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि आपके इलाके में अगर कोई नशा का कारोबार चल रहा था, संलिप्तता पाई जाती है, तो अधिकारियों की भी जो है जवाबदेही तय हो? हाँ देखिए कुंदन जी, आज इसके पहले भी आप देखिए, किसी व्यक्ति को जानने के लिए उसके पिछली जिंदगी में जाना अनिवार्य होता है। आप जैसा कि मुख्यमंत्री जी के आदेशों को, इनके पहले के आदेशों को आप देखिए, जवाबदेही हर एक व्यक्ति, उससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति की होती है, चाहे वो अधिकारी होगा, चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अपने अपने जगह पे जिसकी जो जिम्मेदारी मिली है, अगर उसमें कोई भी कमियां पाई जाती हैं तो इसके खिलाफ मुख्यमंत्री जी सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं जाते हैं। यहां तक कि ये भी नहीं देखते कि ये हमारे परिवार का है कि हमारे बाहर का है। तो इसके लिए आप इसकी निश्चिंत, हम आपके माध्यम से जनता के साथ साथ पूरे उसमें हम कहना चाहेंगे, जितने भी श्रोता, काफी करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे कम से कम जो कर रहे हैं ऐसी तस्करी को रोकने की कोशिश करें और बिल्कुल रोक दें, उसी में उनकी भलाई है। जैसा कि नहीं तो फिर बाद में इसी पे होगा, जैसे उन्होंने कहा मिट्टी में हम मिला देंगे, तो अगर लोग होंगे तो भी विपक्ष क्षण मनाएगा जरूर इस पे। तो इस नाते मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि वो आज भी रोक दें, और नौजवानों को तो बिल्कुल मेरे तरफ से मैं निवेदन और अनुरोध के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी किसी भी प्रकार से जो नशा करते वाले लोग हैं, इसको कहीं किसी के लाभदायक नहीं होता, इसको हानिकारक होता है, कृपया इसको रोकने की कोशिश करें। और स्वयं के अंदर, जैसा कि अभी हमारे मित्र ने बताया, जैसा कि जो है हर व्यक्ति जब ठान लेगा, मन बना लेगा, तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में दोबारा जो है योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वैसे ही इसको भी हम उखाड़ के फेंकने में, जब तक कोरोना से जब हमारी देश की जनता लड़ सकती है, तो ये नशा मुक्ति दिलाने के लिए जनता मन बना लेगी, लोग मन बना लेंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार का पूरा सहयोग जिस प्रकार से हमेशा रहता है, रहते हुए हम पूरी करेंगे। और अधिकारी हो चाहे जो हो, अगर इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। संजय सिंह साहब, हर बार ये कहा जाता है कि भाई मामला डिले हो जाता है, मामले को अंजाम तक पहुंचाने में जो है वो डिले होता है और बीच में जमानत लेकर के जो आरोपी है फिर से इसी धंधे में लग जाते हैं, तो अब स्पेशल कोर्ट के गठन को आप किस तौर पर देखते हैं? जो आरोपी होंगे उन्हें उन तक अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिलेगी और कम से कम उन्हें सजा मिल पाएगी? देखिए कुंदन जी, प्रदेश सरकार के द्वारा जो स्पेशल कोर्ट बनाने जा रहे हैं, बनाने का बात आई है, मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है वो इसी बात को परिलक्षित करता है कि वो कितने दृढ़ हैं इस चीज को
लेकर कि हमें उस मामले को अंजाम तक पहुंचाना है। वैसे अपराधियों को जान लेना चाहिए, खासतौर से जो ड्रग की तस्करी में लगे हैं, जो इसको काम को कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए उत्तर प्रदेश के इन ड्रग पेडलर्स को कि मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। बहुत ही इज वेरी हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर, जो कहते हैं वो करते हैं योगी जी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराधियों को, जो उत्तर प्रदेश अपराधियों का गढ़ बन गया था, जहां कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता था, यूपी को मैं आना नहीं चाहता था, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो एक्शन कार्रवाई करी है बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ, जिस तरह से हमारे अभी प्रवक्ता कह रहे हैं नेता कि उन्होंने धूल में मिलाने का संकल्प ले लिया तो ले लिया, फिर कर डाला, तो फिर मुख्यमंत्री जी की बात जो है वो कहीं इससे खाली नहीं जाने वाली। हाँ, एक चीज और है, माननीय योगी जी और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये मोटिवेटर भी हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कुछ किसी बात को अगर कहेंगे और युवाओं को अगर एड्रेस करेंगे, जनता को एड्रेस करेंगे, तो जनता इनके साथ खड़ी नजर आएगी और इस लड़ाई से को जरूर लड़ेगी कि ये नेता ही नहीं, ये मोटिवेटर भी है, मोटिवेट भी करते हैं समाज को। ठीक है, एक इधर द्विवेदी सर, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने कार्रवाई की बात की, एक्शन की बात की, और हमने देखा गौतम बुद्ध नगर में 200 करोड़ की इससे बड़ी खेप शायद पकड़ी नहीं गई थी, और 9 नाइजीरियन आरोपी भी पकड़े गए। ये कारोबार जो चलता है, नशे का जो कारोबार चलता है, उसका नेक्सस क्या होता है? क्योंकि कई बार ये आरोप लगता रहता है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मिली भगत होती है, उनके संरक्षण में नशे का कारोबार चलता है। ऐसे नेक्सस को तोड़ने के लिए, अगर ऐसा नेक्सस होता है तो इसे तोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सही बात है, जो नेक्सस की बात आप कह रहे हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल होता है। ज्यादातर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, कई और देश इधर है पूर्व में, जिनके यहाँ इस तरीके की खेती होती है, और इस नशे के अवैध कारोबार का ज्यादातर पैसा जो है आतंकवादियों के पास ही जाता है जी, जो देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। हमारा देश भी ऐसे आतंकवादियों से प्रभावित होता है। नेक्सस की बात आती है तो सही बात है, कभी कभी कुछ लोग लोकल लेवल पर भी ऐसे लोगों से मिल जाते हैं अवैध लाभ के लिए, कभी कभी बड़े स्तर पर भी कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति व्यक्त कर दी तो मुझे विश्वास है ऐसे लोगों का हिम्मत नहीं पड़ेगी इस नेक्सस के बीच में पड़ने के लिए जो है। और निश्चित रूप से पुलिस प्रयास करेगी तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। कानूनी प्रावधान बड़े सख्त है, बहुत सख्त है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार करने का ऐलान किया है, और मुख्यमंत्री जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, और इसका असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे।